हाय दोस्तों, वेलकम टू माइंड क्विक। दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली देखेंगे, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज की इस पहेली का शीर्षक है दया भाभी की साड़ी किसने चुराई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 जून 2019 को दया भाभी नई साड़ी लेती है। एक एक साड़ी की कीमत 5,000 होती है, यानी 5,000 होती है। तो दया भाभी सभी महिला मंडल को अपने घर पर बुलाती है साड़ी दिखाने के लिए। सभी लोग साड़ी देखने के लिए आते हैं। तभी जेठालाल दया को कुछ काम से बाहर बुलाता है। दया बाहर जाती है। थोड़ी देर बाद दया वापस कमरे में आती है तो देखती है कि वहाँ से सभी लेडीज चली गई होती है। फिर दया अपनी साड़ी कबर्ड में रखने जाती है, लेकिन तभी दया को पता चलता है कि उसकी साड़ी में से एक साड़ी कम है। फिर वह कंपाउंड में जाती है और सभी लेडीज़ को नीचे बुलाते हैं। सभी लोग नीचे आ जाते हैं तो दया उनसे कहती है, आप लोग साड़ी देखने आए थे, उसके बाद मेरी एक साड़ी गायब है। तो माधवी भाभी गुस्सा करती है और बोलती है, क्या तुम हमें चोर समझती हो? तो दया भाभी बोलती है, नहीं, बस आप लोगों से पूछ रही हूँ। फिर दया भाभी डिटेक्टिव सपना को बुलाती है। डिटेक्टिव सपना दया भाभी से पूछती है, तुम्हें किसी पर शक है? तो दया बोलती है, हाँ, मुझे माधवी और बबीता पर शक है। तो डिटेक्टिव से पूछती है, दया भाभी के घर से आने के बाद तुम दोनों कहाँ गई थी? तो माधवी बोलती है, मैं अचार पापड़ के डिलीवरी करने के लिए गई थी। और बबीता बोलती है कि मैं बैंक गई थी एक जरूरी काम से। दोनों की बातें सुनने के बाद डिटेक्टिव सपना को पता चल गया कि कौन झूठ बोल रही है और किसने दया भाभी की साड़ी चुराई है। तो दोस्तों, क्या आप समझ पाए कि दया भाभी की नई साड़ी किसने चोरी की है और झूठ कौन बोल रही है? आप चाहे तो वीडियो को दोबारा या रोक के अच्छे से सोचिए। वीडियो को अच्छे से देखिए, आप जरूर समझ पाएंगे कि दया भाभी की नई साड़ी किसने चोरी की है। आपका जो भी जवाब होगा इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, आंसर देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, दया भाभी की साड़ी बबीता जी ने चुराई है, क्योंकि बबीता ने कही थी कि मैं बैंक गई थी। लेकिन आज 28 जून है और मंथ का 4th सैटरडे है, और मंथ के 4th सैटरडे को तो बैंक की छुट्टी होती है, यानी बैंक बंद होती है। तो बबीता जी बैंक कैसे जा सकती है? इसे डिटेक्टिव सपना को पता चल गया कि बबीता जी झूठ बोल रही है और दया भाभी की साड़ी बबीता जी ने ही चुराई है। तो दोस्तों, आज की जासूसी पहेली कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टट्टा बाय बाय दोस्तों, स्टे ब्लेस्ड।